तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कर्मकार यूट्यूब चैनल का सेकेंड चैनल जिसका नाम है कर्मकार यूट्यूब हेल्पलाइन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जो ट्रिक बिल्कुल रियल है एंड आपका वीडियो बहुत जल्दी प्रमोट हो जाएगा एंड आपका वीडियो में व्यूज़, वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ आपको 500 रुपया इस पर खर्च करना पड़ेगा। आप 500 रुपया से कम भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं 500 रुपया ही खर्च करके दिखाऊंगा एंड वीडियो पे व्यूज़ मिलियनों व्यूज़ लाकर दिखाऊंगा। तो आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से क्या करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप यूट्यूबर है तो ये चैनल आपके लिए ही है, क्योंकि इस चैनल पे यूट्यूब के रिलेटिव वीडियो अपलोड होता है। उसके साथ साथ यूट्यूब पे जितना प्रमोट या फिर प्रॉब्लम वाला जितना वीडियो है सब कुछ इस चैनल पे अपलोड होगा। उसके साथ साथ अर्निंग के रिलेटिव भी वीडियो अपलोड होगा, जो वीडियो देखकर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाने का टॉपिक भी समझ जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं 500 रुपया देकर गूगल एडवर्ड के मदद से मैं अपना वीडियो एक वायरल करूंगा। किस तरह से वायरल करना पड़ता है एंड किस तरह से क्या करना पड़ता है, ऑल डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर लेकर जाता हूं एंड आपको दिखाता हूं आपको किस तरह से क्या करना है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। दोस्तों चलिए, मैं मोबाइल स्क्रीन ओपन करता हूं। तो हम लोग फाइनली मोबाइल पर आ चुके हैं। अब अपना चैनल को क्रोम ब्राउज़र पर ओपन कर लेता हूं। आप भी क्रोम ब्राउज़र पे अपना चैनल ओपन कर लीजिए। चैनल ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा है, हर एक वीडियो दिख रहा है। मैं ऑल वीडियो प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा सभी वीडियो दिख रहा है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको वीडियो प्रमोट करनी है, गूगल एडवर्ड का द्वारा आपका वीडियो को प्रमोट करना है। तो किस तरह से करनी है दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। आपका जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ है एंड उस पर जो वॉच टाइम होता है जो ज़्यादा है, उसको ही प्रमोट कीजिए। उस पर क्या होगा, एक दिन आपका ही फायदा होगा। उस पर क्या होगा, जो वीडियो आपका इंटरेस्टिंग है उस पर ही तो ज़्यादा वॉच टाइम हुआ है एंड ज़्यादा व्यूज़ हुआ है। तो उस पर क्या होगा, आप वीडियो जो प्रमोट करोगे तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा आने का चांस बढ़ जाता है। जैसे मैं एक कोई भी एक वीडियो प्रमोट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुझे अब मानो ये वीडियो प्रमोट करनी है, तो किस तरह से करनी है, सिंपल सी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एडिट, उसके बाद में एक और आइकन है। तो सिंपल सी मैं इस आइकन के ऊपर प्रेस करता हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी आइकन के ऊपर प्रेस करनी है। इसके ऊपर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन। तो बिल्कुल नीचे डिलीट के ऊपर, डिलीट ऊपर आपको प्रेस नहीं करना है, डिलीट के ऊपर यहाँ पे है प्रमोट, प्रमोट के ऊपर आपको प्रेस कर देनी है। दोस्तों इसके ऊपर प्रेस करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट का बटन है, कि गेट स्टार्ट कर देनी है। आपका अगर एडवर्ड अकाउंट नहीं है तो आप एडवर्ड अकाउंट पहले बना लीजिए, यहाँ से भी बन जाएगा। अगर पहले से है तो आपको बिल्कुल इस तरह से पेज में आ जाएगा। गूगल का एडवर्ड अकाउंट आपको वही ईमेल से बनानी है जो ईमेल आपका चैनल पर है, वही ईमेल से बना लीजिए। यहाँ पर अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्रिएट न्यू करते हैं, आपका 2000 रुपीज़ कैशबैक भी मिल सकता है। 2000 रुपीज़ किस तरह से कैशबैक लेना है बिल्कुल इंस्टेंटली, वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में बता दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करें तो। अब दोस्तों मैंने इस तरह से इस वीडियो को ओपन की, तो अब दोस्तों मुझे अब इस तरह से पेज ओपन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आया है। पहला वाला है स्किबल वीडियो ऐड, उसके बाद सेकेंड है सजेस्टेड वीडियो ऐड। जैसे स्किबल के ऊपर अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर लोगो दिखा दिया, आपका वीडियो आएगा किसी दूसरा का वीडियो के ऊपर, स्किप वाला ऐड आता है वैसा। अगर इसको स्किप कर देते हैं तो ये आपका व्यूज़ नहीं हुआ, काउंट नहीं होगा। अगर ये स्किप नहीं करके 30 सेकंड से ज़्यादा देख लेता है तो ये आपका काउंट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको सेकेंड वाला ऑप्शन के ऊपर प्रेस करनी है। सेकेंड वाला ऑप्शन के ऊपर प्रेस करके यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे वीडियो देखते हैं ना, आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे बहुत सजेस्टेड वीडियो आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपका भी वीडियो आ जाएगा। तो इस पे आपको सिलेक्ट करनी है एंड यहाँ पे आपको जो थंबनेल चूज़ करके सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो थंबनेल उस पे रहेगा वही थंबनेल यहाँ पे भी दिख रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये आपको फिल करनी है। लेकिन सबसे ऊपर आपको यहाँ पे जो कैंपेन का नेम दे देना है। जैसे मेरा ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है तो मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन है, पहले नंबर हेडलाइन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2। तो आपको तीनों को तीनों फिल करनी है। किस तरह से फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेन हेडलाइन पे आपको क्या देना, मेन हेडलाइन का मतलब हो जाता है आपका वीडियो का टाइटल। यहाँ पर जो टाइटल देगा वो टाइटल हिसाब से कोई अगर सर्च करता है तो आपका वीडियो सजेस्टेड में आएगा। तो मैं यहाँ पे टाइटल भर देता, अगर आप अर्निंग का है तो आप अपना हिसाब से टाइटल भर लीजिए।
लेकिन कहीं भी यूट्यूब नहीं लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मत यूज़ करना है। अगर स्पेस ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका नहीं होगा। तो मैं सिंपल से इसको फिल कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर चुका हूँ। अब यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेप आ चुका है। सेकेंड स्टेप क्या है, आप यहाँ पे लिखा है आप कौन सा लोकेशन पे टारगेट करना चाहते हैं, मतलब कौन सा लोकेशन पे आपका वीडियो प्ले करना चाहते हैं। तो मैं इंडिया का सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे इंडिया लिख दिया तो सॉरी, तो मेरा इंडिया सिलेक्ट हो चुके है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया जितना है वहाँ पे कुछ आइकन आ चुका है, मतलब कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, आप कौन सा लैंग्वेज पे आपका वीडियो कौन सा लैंग्वेज पे है। आप ऑल भी कर सकते हैं या फिर आप अपना जिस लैंग्वेज पे है वो भी कर सकते हैं। मैं ऑल कर देता हूँ, किसी को पसंद आएगा तो देखेगा, तो नहीं देखेगा कोई बात नहीं उसमें। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू फिर से कर देनी है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ एज वाला आया है, मतलब कौन सा एज के आदमी आपका वीडियो देखेगा, तो आपका पूरा। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल, मतलब पूरा का पूरा टिक कर देनी है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे कंटिन्यू कर देनी है। उसके बाद दोस्तों ये रहा इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे क्या है डेली बजट। अब डेली बजट कितना देना चाहते हैं, तो मैं डेली बजट ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 50 रुपया देना चाहता हूँ। ये आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं 50 रुपया दिया इंडियन रुपीज़, 50 रुपया, उसके बाद पॉइंट, फिर उसके बाद 00, आपको यही देना है। ज़्यादा दे सकते हैं, ज़्यादा देने का है। और उसके बाद मतलब आप डेली 50 रुपया इस पर खर्च करोगे, मतलब ऐड पे 50 रुपया आप डेली खर्च करना चाहते हैं। तो 50 रुपया पे यहाँ पे कितना व्यूज़ देगा यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। करीब आपका 2200 से लेकर 5800 तक व्यूज़ आ जाएगा। एंड इम्प्रेसर आएगा 1 लाख से लेकर 3 लाख 20 हज़ार तक। चलिए इसको कर देता हूँ क्रिएट, कैंपेन के ऊपर प्रेस कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। अब मेरा एडसेंस का जो मेन अकाउंट है वो ओपन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा तैयार है, पूरा तैयार है। अब इसको यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ या फिर कुछ इसको स्टॉप या फिर डिलीट भी कर सकता हूँ। अब दोस्तों इस पर क्या होगा, आप जब इसको कर दिया, आपका कंप्लीट हो गया पूरा सेटअप, उसके बाद 24 आवर्स के बाद आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस पर पैसा ऐड है तो, अगर पैसा नहीं है तो ऐड स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले आप पैसा इसमें ऐड कर दीजिए, उसके बाद ही कीजिए। ऐड करना अगर नहीं आता है तो मुझे बोलिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो अगर 24 आवर्स के अंदर आपका ऐड नहीं स्टार्ट होता है तो आप इसका हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा मैनुअली। तो दोस्तों इस तरह से आपको आपका वीडियो बिल्कुल रियल तरीके से गूगल एडवर्ड के द्वारा प्रमोट करना है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय।